अरे दादा जी प्लीज कुछ करिए, इसी विड्रो पीरो ने तो पूरे वाइस टाउन के अंदर तबाही मचा के रखी है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है छोटू ट्रांसफॉर्मर, उसने तो मिलिट्री बेस पर भी हमला किया था। अरे हाँ दादाजी, उसने तो टिप्सन के घर पे भी हमला किया था, लेकिन मैं तो वहाँ से भाग निकला, पता नहीं टिप्सन का क्या किया होगा। अरे तुम सब लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक की रोफिरो मुझे कुछ ऑर्डर ना दे, इसलिए अभी हमको रोफिरो का इंतजार करना पड़ेगा। अरे वाह यार, अभी तो इस वाइस टाउन के सारे लोग इविल रोफिरो का नाम सुनते ही कांपने लगे हैं। वाओ बॉस, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अभी बताओ कि आगे हमें क्या करना है। अरे रुको, अभी मुझे बाहर निकलने दो। अरे अभी तो मैं अरे नाहौल के अंदर जाके ज़ॉम्बीज को मार के उनकी पावर्स ले लूंगा। तुम्हारा काम ये है, तुम्हें रोफिरो के सारे दोस्तों को ढूंढना है, फिर एक एक को मारना है। अरे तो जाओ मेरे ऑर्डर को पूरा करो, अभी मैं भी चलता हूँ। वाओ यार, बॉस ने तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग काम दिया है, और अभी बस रोफिरो के दोस्त मेरे हाथ लग जाए, मैं उन सभी की चटनी बना दूंगा। तो चलो अभी उनको ढूंढता हूँ। अरे यार, अभी गोढ़ल के पास में जाने से पहले मुझे दादाजी के पास में चलना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं फटाफट से दादाजी के पास में चलता हूँ। और ये देखो दादाजी तो यहाँ पर है, तो चलो अभी इनके पास चलें। अरे दादाजी, मेरे पास आप सभी के लिए एक काम है। अरे यार रोफिरो बेटा, जल्दी से बोलो, हम तो तुम्हारे ऑर्डर का ही इंतजार कर रहे थे। अरे दादाजी, मैं अभी गोढ़ल के पास में जा रहा हूँ, और आप सभी लोगों को मिलकर इविल रोफिरो और उसके साथी फाइटर जेट ट्रांसफॉर्मर को ठिकाने पर लगाना होगा। मुझे पता है दादाजी, आप ये काम काफी अच्छे तरीके से कर लोगे। अरे हाँ बेटा रोफिरो, इस वाइस टाउन को बचाने के लिए तो हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। अरे हाँ दादाजी, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगा, चाहे मुझे भी कुछ भी करना पड़े। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है कि आप सभी लोग मेरी बात मानने को तैयार हो गए हैं। अरे बेटा, तुम्हें तो गोढ़ल के पास में जल्दी पहुंचना है, लेकिन तुम ऐसे कैसे जाओगे? अरे रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। अरे तो रुको, अभी मंगाता हूँ। तो ये देखो, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, ये तो है एक सुपर फास्ट रोडस्टार कार, और इसकी मदद से तुम गोढ़ल के पास काफी जल्दी पहुंचोगे। अरे वाह, थैंक यू दादाजी, आपने तो मेरी काफी मदद कर दी। तो अभी मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ, तो चलो गोढ़ल के पास चलें। अरे दादाजी, रोफिरो तो चला गया, लेकिन अभी ये बताओ इविल रोफिरो कहाँ मिलेगा? अरे सुपर हीरो, वो तो मुझे भी नहीं पता, रुको मैं अपनी शक्तियों से पता लगाता हूँ। आबरा कडाबरा, समर में सब लोग जाते हैं वेकेशन, जल्दी से बताओ इविल रोफिरो की लोकेशन। अरे वाह, मुझे तो पता लग गया, इविल रोफिरो तो एरेना की ओर जा रहा है, और उसका दोस्त फाइटर जेट तुम लोगों को मारने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा है। अरे मटेंट और छोटू, जल्दी से जाके उससे मेरे पास लेके आओ। अरे हाँ दादाजी, हम लोग उसको चकमा दे के अपने पास लेके आएंगे। आइए रुको छोटू, मैं भी आता हूँ। अरे दादाजी, ये लोग तो कैसे ना कैसे करके उस फाइटर जेट को आपके पास ले आएंगे, लेकिन मैं क्या करूँ? अरे सुपर हीरो, इविल रोफिरो को हम लोग पकड़ नहीं सकते, उसे तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। अरे तो रुको, मेरे पास उसके लिए भी एक बहुत गजब की चीज है। आबरा कडाबरा, ना कोई दोस्ती ना कोई यार, जल्दी से आ जाए ऑटोमेटिक कार। अरे तो ये देखो सुपर हीरो, ये तो एक ऑटोमेटिक कार है, और तुम्हें इसके अंदर इविल रोफिरो को बिठाना है, और फिर ये उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। अरे वाह दादाजी, ये कार तो काफी मजेदार लग रही है, तो अभी मैं इसको लेके इविल रोफिरो के पास जाता हूँ, और मुझे कैसे भी करके इविल रोफिरो को इसके अंदर बिठाना होगा। अरे तो ये देखो यार, मैं तो इतनी जल्दी लाइट हाउस पर भी पहुंच गया, तो अभी नीचे चल के फटाफट से गोढ़ल की गुफा के अंदर चलते हैं। और ये रोडस्टार कार तो इतनी ज्यादा सुपर फास्ट है कि मैं तो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अरे तो चलो, आखिरकार मैं नीचे तो आया, तो अभी मैं इस कार को ले जाकर गुफा के अंदर खड़ी कर देता हूँ। अरे वाह, तो ये देखो, मैं तो गुफा के अंदर आ गया, तो अभी मेरे को जल्दी से गोढ़ल के पास चलना होगा। अरे लेकिन ये क्या, मैंने तो बिग बॉस को यहीं पर भेजा था, लेकिन बिग बॉस तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अरे गोढ़ल, तुम कहाँ पर हो? मैंने तो बिग बॉस को यहीं पर भेजा था, तो बिग बॉस कहाँ गया? अरे हाँ रोफिरो, यहाँ पर बिग बॉस की आत्मा कभी की आ गई थी, और मैंने उसको वापस से जिंदा करके अरेना हॉल के अंदर भेज दिया है, और अगर जैसे ही इविल रोफिरो अरेना के अंदर जाएगा तो बिग बॉस उसे जान से मार डालेगा। और रोफिरो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल वेपन तैयार किया है, तो ये संभालो। अरे गोढ़ल, की गन देखने में तो काफी पावरफुल लग रही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसका यूज कैसे करते हैं? अरे रोफिरो, इस गन को तुम जिस चीज पर भी चलाओगे वो एकदम से लाल होकर वहीं पर फट जाएगी। अरे वायर, तब तो कमाल हो जाएगा, ये गन तो काफी पावरफुल है। अरे तो चलो यार, क्यों ना गन की पावर को टेस्ट किया जाए। अभी मैं रोडस्टार के ऊपर इस गन से वार करता हूँ। अरे वाह, ये देखो, अभी तो ये रोडस्टार फट चुकी है, यानी कि ये गन काफी काम की है। अरे तो ये देखो, अभी तो मैं अपने अरेना हॉल के अंदर वापस से पहुंच गया, उसी विल रोफिरो के बच्चे ने मुझे मारा था ना, अभी मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा।